अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है हसन और आप लोग देख रहे हैं हसन बर्ड्स व्लॉग्स। तो गाइस, आज के इस व्लॉग में मैं आपको थंबनेल, जैसे ही आप लोगों ने देखा है, मैं आपको बताऊंगा कि ब्रीडिंग फार्मूला क्या है, बर्ड्स ब्रीड क्यों नहीं करते, ब्रीड अच्छी ब्रीड कैसे लें सर्दियों में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, और आप लोग शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करें, और वीडियो आपने पूरा देखना है। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ब्रीडिंग की जाती है और कौन सा फार्मूला है। तो आगे चलें, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो को। बेशक मैं हूँ या कोई और भाई हो, मेन फोकस होता है ब्रीडिंग पे, ब्रीडिंग कैसे लें बर्ड से। ये बहुत बड़ा मसला होता है तमाम लोगों के लिए जो इस फील्ड में न्यू होते हैं, और वो बहुत परेशान होते हैं कि हम ब्रीडिंग किस तरह लें, कोई फार्मूला होगा शायद, मे भी कोई फार्मूला जैसे ब्रीडर ब्रीड लेते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूँ, चंद एक बातें होती हैं, कोई इतनी बड़ी फ़िलासफ़ी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों को मैं वो बात बताऊंगा कि जिससे ब्रीड आए, फर्टाइल ब्रीड आएगी, अनफर्टाइल ब्रीड नहीं आएगी। कुछ लोग होते हैं बातें बता देते हैं भाइयों को, वो ये करते हैं, उस पर अमल भी करते हैं, पर अनफर्टाइल ब्रीड आती है जिसकी वजह से अंडे तो आते हैं पर अंडों में से बच्चे नहीं निकलते। और वो लोग जो कहते हैं जी हमारे परिंदे अंडे देते हैं पर हैश नहीं कराते, मतलब कि इजी वर्डिंग में मैं आपको बताऊं कि वो अंडे देते हैं पर अंडों में बैठते नहीं हैं, जिनकी वजह से बच्चे निकलते ही नहीं हैं। ये बात होगी, और दूसरा मैंने आपको बता दिया अनफर्टाइल वाला दो, और तीसरे वो लोग जो कहते हैं कि अपना हमारी ब्रीड ख़राब हो जाती है, बच्चे निकलते हैं, मर जाते हैं, ये क्या वजह है, और फार्मूला क्या है ब्रीडिंग का, ये भी। तो इन सब बातों के बारे में, टॉपिक्स के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में आपको सबको बताऊँगा, गाइड करूँगा किस तरीके से करना है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए। तमाम लोग अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं, उन्हें पता होगा कि मेल फीमेल क्या है। मेरे तमाम व्यूअर्स जो हैं बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं और एजुकेटेड व्यूअर्स हैं, उन्हें पता होगा मेल फीमेल कौन से होते हैं, और आइडेंटिफिकेशन का भी उन्हें पता होगा, मुझसे बेहतर पता होगा। अब बात करते हैं जी किस उम्र में ब्रीड करता है बर्ड। बर्ड भाई ब्रीड करता है 4 से 5 महीने की एज में बर्ड ब्रीड करता है, सही है। पहली ब्रीड जो आती है वो ज़ाया कर देते हैं परिंदे, इस तरह से ज़ाया कर देते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि ब्रीड लेनी किस तरह है, वो परिंदे बैठते ही नहीं हैं उसके ऊपर, तो ब्रीड ज़ाया होती है। लेकिन जो नेक्स्ट ब्रीड होती है सेकंड, वो इतनी ज़बरदस्त ब्रीड होती है कि वो बच्चे निकाल लेता है। अब आपने बर्ड को करना क्या है, अगर सर्दियों में अगर आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, आपके सामने मैं एक चीज़ शो करवाता हूँ जिस चीज़ का नाम है विटासोल सुपर, ठीक है। ये विटासोल सुपर होता है, ये आप देख लें, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स हैं, ये मल्टी विटामिन्स में आपको काम आएगा। जिस तरह इसमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, K1, B1, B2, B4, इसके अलावा विटामिन सी और फोलिक एसिड्स। ये इस्तेमाल का तरीका क्या है, आपकी जो एक चुटकी होती है ना, जो एक बिल्कुल सिंगल, आपने वो इस तरह पिक करनी है और 1.5 लीटर पानी में डाल देना है, एक इस तरह से बिल्कुल छोटी चुटकी लेनी है आपने, 1.5 लीटर पानी में आपने डाल लेना है। उसके बाद आपने मिक्स करना है, बेहतर ये होगा कि आप लोग ऐसा एक फीडर ले लें, आप खुले बर्तन में ना डालें पानी, खुले बर्तन में डालेंगे परिंदे आएंगे, परिंदे नहाएंगे और एक्सपायर हो जाएंगे। आप लोगों ने एक फीडर लेना है, फीडर में ये डालना है, आपने मगरब के टाइम पानी निकाल लेना है परिंदों का। इसके बाद आपने सुबह फजर के टाइम, भाइयों याद रखना, सुबह बिल्कुल फजर के टाइम आपने आना है अपने बर्ड्स के पास, और आपने आके पानी डाल देना है, एक दिन पहले 3 दिन लगातार देना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आपने 3 दिन स्टॉप कर देना है, उसके बाद आपने 3 दिन लगातार कैल्शियम पी देना है, उसके बाद आपने फिर 3 दिन स्टॉप कर देना है। फिर जो अगला वीक जो स्टार्ट होगा, जो न्यू वीक स्टार्ट होगा, उसमें आपने करना क्या है, उसमें आपने ये करना है कि आपने एक दिन ये विटासोल सुपर देना है, एक दिन छुट्टी करानी है इसकी, मतलब एक दिन फ्रेश वाटर देना है। नेक्स्ट डे आपने विटासोल सुपर यूज़ कराना है, अगेन नेक्स्ट डे आपने फ्रेश वाटर, देन इसके बाद आपने फिर कैल्शियम पी यूज़ करवाना है, फिर छुट्टी करानी है, मतलब फ्रेश वाटर देना है आपने, और अगेन उसके बाद आपने फ्रेश वाटर प्रोवाइड करना है अपने बर्ड को। मल्टी विटामिन सीरप्स मेडिसिन में आपने 2 चीज़ें यूज़ करवानी है, जिसका नाम विटासोल सुपर है जो कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार है, और कैल्शियम पी है, इसके अलावा आपने अपने बर्ड्स को नहीं देना।
ये मैं बात आप बता दूं, ये तब तक आपने देते रहना है जब तक आपके बर्ड्स अंडे नहीं दे रहे। अगर आपका बर्ड अंडे देना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो आपने ये स्टॉप करवा देना, सिर्फ विटासोल सुपर स्टॉप करवाना है, आपने कैल्शियम पी का सीरप स्टॉप नहीं करवाना। जिसकी रीज़न ये है कि ये बर्ड को हीट पे लेकर आता है, जिसकी वजह से बर्ड हीट पे आता है, अपने घोंसले में जाता है, जैसे ऊपर वो घोंसले लगे हुए हैं, ठीक है, और ब्रीड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, पहली बात ये होगी, जब आप ये स्टॉप करा देंगे तो फिर आपने यूज़ क्या करवाना है, फिर आपने यूज़ ये करवाना है, आपने जो आप पहले जो लाइजोविट सिरप यूज़ करवाते थे बर्ड्स को, आपने वो यूज़ करवाना है। उससे ये होगा कि आपके बर्ड्स के मल्टी विटामिन्स पूरे होते रहेंगे, बच्चों के मल्टी विटामिन्स पूरे होते रहेंगे और बर्ड बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करेगा। अब बात कर ली जाए कि अगर बर्ड बीमार हो, लेज़ी हो जाए, तब आप अपने बर्ड को क्या दें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप वो सामने मेरा बर्ड देखें, वो आप देख रहे हैं पीछे जिसका ऑरेंज फेस है, हाँ जी, आप अगर उसको देखें वो थोड़ा बहुत लेज़ी हुआ हुआ है। सबसे पहले देखें कंडीशन देखी जाती है, कंडीशन क्या, उसके फीडर प्लकिंग का इशू है, ठीक है, उसके फीडर प्लकिंग का इशू है। तो अगर फीडर प्लकिंग का इशू है तो आप समझ लें कि आपके बर्ड में कैल्शियम की कमी है, जिसकी वजह से फीडर प्लकिंग हो रही है। तो आप उसे एक्सेल प्रोवाइड करें, आप उसे अच्छे से अच्छे कैल्शियम प्रोवाइड करें, ठीक है। अगर उसे बुखार है, आप ब्रोफीन का सीरप दें, ठीक है, अगर बुखार नहीं तो आप ब्रोफीन मत दें, ठीक है। अगर थोड़ा और मसला है तो आप कोलिसोल का सीरप आता है जो एक नंबर हो, जो दो नंबर ना हो, आप वो इस्तेमाल कराएं अपने बर्ड्स को, ठीक है। अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगाएंगे तो अच्छी से अच्छी ब्रीड आएगी आपके पास, ठीक है। अब जब ब्रीड आने लगेगी, इससे पहले पहले आपने हफ्ता मतलब एक हफ्ते में 2 से 3 मरतबा अंडा अपने बर्ड्स को देना है ताकि वो अच्छे तरीके से खाए। अब जो फार्मूला है वो मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल एंड में, ठीक है। आपने करना क्या, रॉकेट साइंस ही आपकी, आपने टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है 25 से 25 का टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होता है जिस पे बर्ड्स अच्छी तरीके से सर्वाइव करते हैं, ना कि मरता है और ना कि तंग होता है, ना से गर्मी लगती है ना से ठंड लगती है। तो आपने 25 प्रोवाइड करना है। आप देखें सूरज निकल आया है, ये आप देख सकते हैं सूरज निकला हुआ है, पर मैंने फिर भी बल्ब लगाए हुए हैं क्योंकि हवा का रुख होता है और सो मसले मसाइल होते हैं, तो आपने ये लगाए रखना है। नेस्टिंग एक बहुत बड़ा इशू होता है, लोग कहते हैं नेस्टिंग कौन सी डालें, तो भाई जान ये मैं खुली नेस्टिंग लेकर आया हूँ, अगर आपके इलाके से मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो आप कॉलेज रोड चले जाएं, या आप कराची में हैं तो आप किसी भी बड़ी मार्केट में चले जाएं, आपको इजीली मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है। कैल्शियम ब्लॉक्स लगाएं, अच्छे से अच्छे स्टिक्स लगाएं, जितने स्टिक्स लगाएंगे परिंदे जैसे उड़ के उधर जाएंगे, ठीक है। अब देखें ऊपर मैंने घड़े लगाए हुए हैं, नीचे मैंने स्टिक्स लगाई हुई हैं। अब जब बच्चे आ जाएंगे, जो मेन बात है ब्रीड आने के बाद क्या करें, बच्चे मर जाते हैं, बच्चों को कैसे बचाएं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रीड आ जाए, आपने बॉयल राइस देने अपने बर्ड्स को ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को खिलाएं और बच्चों को बड़ा करके सेहतयाब और गुड हेल्थ उन्हें प्रोवाइड करें, गुड फूड उन्हें प्रोवाइड करें। और कंगनी में अगर बात की जाए, आपने रोज़ का रोज़ खाना चेंज करना है, ठीक है। ये आप देख लें, ये लाल कंगनी और पीली कंगनी है, ठीक है, इसके अंदर कनेडी सीड मिक्स किए जाते हैं पर मैंने अभी तक नहीं किए हुए। और ये कटल बॉर्न फिश है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ये कैल्शियम को पूरा करता है बर्ड्स के, ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं, अगर वो लोग जो कहते हैं जी अंडे दे देते हैं पर बच्चे हैच नहीं होते, तो भाई जान आप एक ऐसा हट लें, ठीक है, उसके अंदर बेंगलाइस का एक पीस लें और उसको इसके नीचे आप अपने अंडे रख दें, तो इंशाल्लाह ताला वो इसको हैच करा देंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो मैं आपको इतनी इंफॉर्मेटिव बातें बताता हूँ, आप फिर भी आप लोग मेरे सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।